दोस्तों मैं हूं सुखदेव और आज आपको बताने वाला हूं कि दुनिया को जानवरों से कितना प्यार है। हाँ, जानवरों से इतना प्यार है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को कि अगर कोई नाम नहीं मिलता तो वह नाम रख देते हमारी जानवरों के ऊपर। अरे हमारे सलमान खान चाचा को देख लो, उसने तो एक टाइगर से शुरुआत करी थी, 1-2-3 तक पहुंच गया। और तो और हमारे विद्या बालन को देख लो, हंटेड पे मूवी बनाने के बाद भी हंटेड नाम नहीं सोचा इसको, इसने तो शेरनी नाम रख दिया। हे, रहा नहीं जाता। आगे बढ़ते हैं, चलो रणबीर कपूर अपकमिंग मूवी। अरे जाके पंडितों से पूछ लेता, बच्चों से पूछ रहे, तो छोटा बच्चा है क्या? नहीं, इसने तो नाम रख दिया एनिमल। हाँ, ये समस्या है, क्या बोलने का। अरे तुझसे अच्छा तो सजेशन सुधीर चौधरी को मिल गया, अगले ने कमेंट में लिख दिया था कि बताओ मेरे को सजेस्ट करो। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम तो छोटा बच्चा भी रख देता। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? लेकिन इन्होंने नाम फाइटर रखने की जगह इन्होंने नाम रख दिया। अरे टी कहाँ है, टी कहाँ है, टाइगर का। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा जानवर है जो टाइगर और लायन का फूफा चाचा के रिश्ते में आता है। और तो और इस मूवी का फाइनली नाम किसी पगलू ने, टीजर देखने के बाद आपको जरूर पता लगेगा कि क्या रीजन। इस मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे विजय भाई ने स्पेशली थाईलैंड से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है। और मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग थाईलैंड में बहुत कुछ होता है, लेकिन समझ रहे हो, समझ रहे हो। एंड इसकी बॉडी देख के मेरे को टाइगर श्रॉफ की याद आती है, जिसकी मूवी ओटीटी के लिए बनी होती है। लेकिन उसने एक डायलॉग से बहुत चढ़ गया यार वो, हालांकि मैं सबकी आती नहीं, हमें इच्छा आती नहीं, छोटी बच्ची हो क्या। मूवी का सबसे बिगेस्ट टास्क ये था कि मूवी दो लैंग्वेजेस में शूट हुई है, हिंदी और तेलुगु दोनों में। और ये सबसे बिगेस्ट टास्क था हीरो के लिए नहीं, एक विलन के लिए, बेचारे को बार बार मार खाने पड़ी जा रही है। चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग एंड चक्की पिसिंग वाला टास्क हो रहा था, क्योंकि बार बार मार खाना तो भाई एक बार पंच खाए तो दोबारा मार खानी पड़े। और गाइस सुनने में तो ये भी आया कि इसके डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने पहले जानवी कपूर को कास्टिंग के लिए लीड करा था, लेकिन उसके बाद डेट ना होने की वजह से मैडम ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब टाइम नहीं दिया, रिजेक्ट तो नहीं करेगी वो, क्योंकि ही इज वेरी गुड डायरेक्टर यार। और तो और फिर इन्होंने बहुत टैलेंटेड, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट प्रिटी, मोस्ट क्यूट, ऐसे तो नहीं होता है, टैलेंटेड लेडी को लिया अनन्या। चलो बात करते हैं मूवी के ट्रेलर की। यार मूवी का ट्रेलर देखने के बाद तो मुझे सिर्फ मार मार मार, यानी साउथ 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 वाली फीलिंग आई, क्योंकि मूवी के फाइटिंग और एक्सप्रेशंस और जो भी उसकी सिनेमैटिक वर्क को और साउंड को देखने के बाद तो मुझे थोड़ा सा साउथमेटिक फील सी आई यार, मजेदार कॉन्सेप्ट है इसका। तो चलो बात करते हैं अब हम मूवी की। तो दुनिया में प्यार और मार दोनों ऑफर में एक साथ आते हैं। श्री 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 शाहिद कपूर ने ये बात अपनी मूवी में आर राजकुमार में आपको बताई है। प्यार 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 या मार मार मार। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मूवी का भी कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह ही है। और मूवी में एक ऐसा पॉइंट आता है जब उसकी माँ बोलती है कि मेरा बेटा लायन और टाइगर की औलाद है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। और आपको चंकी पांडे की बिटिया का टैलेंट देखने को मिलेगा। तो ट्रेलर के एंड में आती है एक बार तो मैंने स्क्रीन को फोज किया कि ओ माय गॉड क्या ये माइक टाइसन है। और एक्चुअली मुझे देखने के बाद मेरा रिएक्शन तो सिर्फ यही था कि एक बार तो मैंने वीडियो को फोर्स करा और अच्छे से देखा, क्योंकि दैट वाज सरप्राइज, क्योंकि ये तो पॉपकॉर्न के साथ कोल्ड ड्रिंक फ्री मिलने वाला जवाब है यार। पॉपकॉर्न के साथ आपको कोल्ड ड्रिंक फ्री मिलेगी, इस मूवी के अंदर आपको माइक टाइसन मिलेगा। अगर आपको माइक टाइसन के बारे में नहीं पता, आपकी जनरल नॉलेज जीरो है, आप डूब के मर जाओ। तो कुल मिला के टीजर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और तो और इसके हम पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला पॉजिटिव पॉइंट इसकी स्टोरी लाइन, सेकंड पॉजिटिव पॉइंट इसकी फाइटिंग, और थर्ड पॉजिटिव पॉइंट माय मोस्ट फेवरेट WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन माइक टाइसन। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस का हो रहा है। अरे मतलब माइक टाइसन भी है इसमें, तो थर्ड पॉइंट हुआ ना वो। अरे कहना क्या चाहते हो। बाकी ट्रेलर देख के आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर गाइस, और आगे जुड़ी रहिएगा। अगर आपको कोई भी वीडियो या कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।